प्रिय छात्रों, अब हम इसमें पढ़ते हैं VSEPRT थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5। यदि किसी परमाणु में नियम नंबर VSEPRT थ्योरी का नियम नंबर 5 यह क्या बताता है, इसे हम समझते हैं। यदि किसी परमाणु में पूर्ण पूरित कोश तथा एक या एक से अधिक एकक युग्म है और यह अंश पूरित संयोजी कोश वाले परमाणु से बंधित है या कोई संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन विस्थापन से अंशपूरित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में एकाकी युग्मों में पूर्ण पूरित से रिक्त कोष की ओर आंशिक स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई ऑर्बिटल खाली है और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसके पास में किसी परमाणु पर अगर कोई ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो, तो इस खाली ऑर्बिटल और इस पूर्ण भरे हुए ऑर्बिटल के मध्य एक बंध बन सकता है और इसे इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भरे हुए ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल की तरफ होता है, इससे एक बंध का निर्माण होता है, आंशिक स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है। इस नियम के आधार पर नियम 2 के एक अपवाद के समझने का सफल प्रयास किया जा सकता है। PH3 की तुलना में PF3 का बंध बड़ा क्यों होता है? नियम 2 के आधार पर PF3 में छोटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर उस पहले वाले वीडियो में देखा था कि PF3 का 104 डिग्री होता है जबकि इसका 100 से कम होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, इसे हम 5वें नियम से समझ सकते हैं। इससे पूर्व हम BF3 तथा SF4 अणुओं में क्रमशः BF तथा SF बंध की दूरी में आई कमी को समझने का में इस नियम का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें वो समझ में आ जाएगा। हम इसके उसको PF3 और को समझने के पहले BF3 और SF4 की बंध लंबाई को समझते हैं। देखते हैं कि BF3 में बंध लंबाई जो है वो 1.50 एंगस्ट्रॉम है और प्रायोगिक जो है वो 1.3 एंगस्ट्रॉम है। SF4 में परिकलित मान जो है वो 1.81 एंगस्ट्रॉम है जबकि प्रायोगिक मान जो है वो उससे कम है 1.54 एंगस्ट्रॉम में। ऐसा क्यों हुआ, ये कमी क्यों आई? जब भी बंध कोण में कमी आती है तो उसमें बहुबंध के लक्षण आते हैं, तब उस बंध में कमी आती है। सामान्यतः फ्लोरीन परमाणु का अधिक आवेश घनत्व कुछ अंशों में कम किया जा सकता है। यदि फ्लोरीन किसी ऐसे परमाणु से बंधित हो जिसका आवेश घनत्व बहुत कम हो, जैसे बोरोन या सल्फर, फ्लोरीन से इस आवेश के विस्थापन को PπPπ या PπDπ बंध क्रियाविधि से के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे वैसे तो फ्लोरीन की विद्युतीयता अधिक होती है, परंतु इसको सिग्मा बंध सिग्मा विद्युतीयता एवं पाई विद्युतीयता के आधार के रूप में अलग देखा जा सकता है। चाहे तो यह ज्ञात है कि फ्लोरीन की सिग्मा विद्युतीयता तो सर्वाधिक होती है जबकि दूसरी और इसकी पाई विद्युतीयता का मान बहुत निम्न होता है। यहाँ तक कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फ्लोरीन में पाई विद्युत धन प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में फ्लोरीन BF3 SF4 में क्रमशः बी व एस से द्विबंध बना लेगा। इस द्विबंध निर्माण से बंध दूरी में कमी आएगी जो प्रायोगिक मानों में परिकलित मानों में अंतर से स्पष्ट दिखाई देता है। अब इस तर्क को PH3 एवं PF3 AS3 ASF3 के कोणों में आए परिवर्तन समझाने के लिए लिया जा सकता है। यानी कि अब आप देख सकते हैं PH3 में 93 डिग्री होता है जबकि PF3 में 104 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन और फास्फोरस के बीच में आंशिक पाई बंध का निर्माण होता है जिसे बंध कोण में कमी आती है और बंध लंबाई में कमी आती है जिससे बंध कोण में वृद्धि होती है। इसलिए आप इसे देख सकते हैं कि बंध कोण में वृद्धि हुई है। 3 के आधार पर अधिक प्रतिकर्षण होगा। अब देख सकते हैं कि PF3 एवं AS3 में PF और AS FF द्विबंध होने के कारण नियम 3 के आधार पर अधिक प्रतिकर्षण होगा और इसी कारण बंध कोण में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। अप्रत्याशित वृद्धि इसलिए कहा गया है क्योंकि विद्युत ऋणी फ्लोरीन के जुड़ने से बंध कोणों में नियम 2 के अनुसार कमी होनी चाहिए जबकि वहाँ बंध कोणों में
वृद्धि हो रही है। तो नियम दो के अनुसार इसमें कमी होनी चाहिए थी, पर नियम पाँच के अनुसार इसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि नियम पाँच ये कहता है कि दो परमाणु के बीच में द्विबंध बन सकता है, द्विबंध बनने से बंध कोणों में वृद्धि होती है। अब नियम छः देखते हैं, VSEPRT का नियम सिक्स, अक्षीय बंधों की लंबाई तलीय बंधों से सदैव अधिक होती है। उदाहरणार्थ PCl5, SF4, CrF3 आदि पाँच या सात इलेक्ट्रॉन युग्म वाले संयुक्त कोष में जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मों के नज़दीक वाले पड़ोसी समूह की संख्या समान नहीं हो, इनमें से वे इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्मों की तुलना में नाभिक से अधिक दूरी पर रहेंगे जिन युग्मों में पड़ोसी परमाणु की संख्या अधिक हो। इसी नियम के आधार पर PCl5 में PCl A बंद लंबाई यानी कि एक्सीएल पे जो है वह 2.10 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि PCl E यानी कि इक्विटोरियल यानी कि क्षैतिज में जो होते हैं उनकी बंद लंबाई 2.04 यानी कि कम होती है, एंगस्ट्रॉम से अधिक हो, क्योंकि अक्षीय Cl परमाणु के बंद युग्म 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं, जबकि तलीय से केवल दो बंद युग्म 90 डिग्री के कोण पर हैं, अतः अक्षीय परमाणु की अपेक्षा नाभिक से दूर रहेगा। SF6 के उदाहरण में भी पाँच इलेक्ट्रॉन युग्म, चार बंद युग्म तथा एक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। इसमें भी अक्षीय SF बंध की लंबाई 1.646 एंगस्ट्रॉम, जबकि तलीय SF बंध की दूरी 1.545 से अधिक होती है। CrF3 जैसे अणुओं में पाँच इलेक्ट्रॉन युग्म तीन युग बंद युग्म तथा दो एकाकी युग्म होते हैं। इसमें भी प्रतिकक्षण के आधार पर बंद लंबाइयों में अंतर आएगा ही, साथ ही अक्षीय तथा तलीय बंधों के मध्य कोण 90 डिग्री से कम हो जाएगा। CrF3 में 1.76 होता है, जबकि CrF इक्विटोरियल में 1.62 होता है। इसी आधार पर यह माना जा सकता है कि अक्षीय बंधों पर वे समूह उपस्थित रहेंगे जिनकी विद्युतीयता अधिक होगी। इसका कारण यह है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु सरलता से अपने बंध युग्मों को आकर्षित कर अपनी ओर विस्थापित कर लेगा और स्थायी संरचना प्राप्त करने में आसानी रहेगी। इसलिए PCl3, Cl2 आदि में फ्लोरीन परमाणु अक्षीय अवस्था में रहेंगे। सात इलेक्ट्रॉन युग्म, छह बंध युग्म, एक एकाकी युग्म वाले अणुओं की आकृति भी अष्टफल की पाई गई है, जैसे कि छह युग्म वाले बंधों में आकृति होती है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या सातवां एकाकी युग्म इस स्थिति में निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए अब कहा जा सकता है कि इसकी आकृति सममित अष्टफल की नहीं है, तो उतनी ही विकृत भी नहीं है जितना कि VSEPR सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के कई सफल अनुप्रयोग होने के साथ ही कुछ सीमाएँ भी हैं जिन परिस्थितियों में इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। अधिक ध्रुवीय वाले परमाणु की आकृति के आधार पर आकृति के निर्धारण में से सफलता नहीं मिलती। उदाहरण के लिए H2O LiO2 की संरचना समान होने के बावजूद H2O का आकार V है, जैसा कि LiO2 एक रेखीय है। यह सिद्धांत कुछ संक्रमण तत्वों के जटिल आकृतियों को भी नहीं समझा पाया। D8 विन्यास वाले तत्वों के जटिल आयन की संरचना समतल वर्ग होती है, जबकि यह सिद्धांत इसे चतुष्फल की बताता है। यह उन आकृतियों की निर्धारण भी सही नहीं कर पाता जिनमें अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह अणुओं की आयनों की आकृति भी नहीं बता पाता जिनमें अधिक पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत तंत्र हो, उदाहरण के लिए C, CN3-। धन्यवाद।